हेलो फ्रेंड्स, आरसी एजुकेशन हब्बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी बेटा वाक्य विचार टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब तक हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके सामने है नाम। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य और लास्ट में आता है संकेतार्थक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। देखिए, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिस भी वाक्य में किसी कार्य या बात का होना पाया जाता है, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी बात या कार्य का होना पाया जाता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य में किसी भी कार्य का या किसी भी बात का होना पाया जाता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, ये उदाहरण आपके सामने है। सीता पत्र लिखती है, सीता करता है, लिखना क्रिया है और पत्र क्या है इसका कर्म। तो यहां किसका पाया गया है? कर्म का। किसका होना पाया गया है? कर्म का। सीता पत्र लिखती है, कार्य का होना पाया गया है। दूसरा उदाहरण है मोहन मेरा मित्र है। इसको ध्यान से देखिए, मोहन मेरा मित्र है, मोहन मेरा मित्र है। यहाँ किसी भी कार्य का होना पाया नहीं गया है, यहाँ किसका साबित होना पाया गया है? बात का होना। क्या तो कर्म का होना पाया मिलेगा आपको, या फिर किसका मिलेगा? बात का होना। फिर से देखिए, जिस वाक्य में किसी बात या किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। दूसरे नंबर पर आता है निषेध वाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेध शब्द का अर्थ है रोक। निषेध शब्द का अर्थ है रोक, मना या पाबंदी। देखिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का किसी कार्य के न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य, यानी किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाता है। जैसे मोहन पत्र मत लिखो। यहां मोहन को पत्र लिखने के लिए क्या किया गया है? मना किया गया है, रोका गया है। तो यहां कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण सोहन सड़क पर मत घूमो।
यहाँ सोहन को सड़क पर घूमने के लिए क्या किया गया है, रोका गया है, मना किया गया है, जो ने, नहीं और मत के माध्यम से रोका जा सकता है या इसका भाव प्रकट किया जा सकता है, उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में किसी भी कार्य के न होने का क्या होगा, बोध, यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या किया जाएगा, मना किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद जो शेष भेद बच गए इनकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।